अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइला फारूक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी लाइफ में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं बच्चों को लेके बाहर आई हूँ, तो चले आए आपको भी साथ में लेके चलते हैं। तो चले आए तो यहाँ पे देखें, क्रिसमस का ये सारा सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे देख ले, हर मज़हब से रिलेटेड सब कुछ जो है ना, हर कोई अपना इजीली आसानी से खुशी से अपना मनाता है, जो भी जिसका भी त्यौहार हो। ये देखें, ये देखें, तो यहाँ पे देखें, अब 25 दिसंबर के लिए ये क्रिश्चियन का सारा ये लगाया हुआ है। हर किसी को अपने मज़हब की आज़ादी है, वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके, इधर कोई ऐसा इशू नहीं है। इंडियन का तो वो अपनी दीपावली सारे मिलके मनाएंगे, और साथ में मुस्लिम का वो सारे हरि राया मिलके मनाते हैं। अब ये इनका ये यहाँ पे किसी को कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि वो अपने मज़हब का खुल के इजहार ना कर सके, दिखा ना सके। ये देख कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। आ रही हूँ मेरी मुझे आवाज़ें मार रही है कि मम्मा आ जाओ। मैंने कहा आ रही हूँ। यहाँ पे स्टॉल लगे हैं मेरी चीज़ों के, देखें। I love you, baby. Now we know.
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर और इन्होंने कितना अच्छा सजाया हुआ है, छोटे छोटे क्रिसमस ट्री, ये क्रिसमस लाइट्स लगाए हुए हैं। तो यही है मलेशिया में, अलग अलग सबके होते हैं रिलीजन्स, तो सब मिलके मनाते हैं। हम लोगों के भी फ्रेंड हैं क्रिश्चियंस, वो भी ईद पे आते हैं हमारे घर, खाना खा के जाते हैं और फिर क्रिसमस पे हम भी जाते हैं उनके घर, सेलिब्रेट साथ में करते हैं। खैर इस साल तो नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है पेंडेमिक चल रहा है और एक दूसरे के घर भी नहीं जा रहे अभी, तो इसलिए इस साल तो वो ना वो आए ना हम गए। तो गाइस ये था हम लोगों का छोटा सा व्लॉग, आपको दिखाया था कि मलेशिया में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं और सारी लाइटें और डेकोरेशन दिखाई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मामा की वीडियो को देखते रहें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।